संभावनाओं को देखते हुए सिरसा में हाई अलर्ट। घग्गर नदी के नजदीक सटे ब्यासी गांव में खतरे की घंटी की संभावनाएं। बाढ़ से बचाव के लिए कंट्रोल रूम का नंबर जारी। जिला सिरसा में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए सिरसा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। घग्गर नदी के नजदीक सटे ब्यासी गांव में खतरे की घंटी की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। सिरसा में बाढ़ की संभावनाओं के चलते 14 किश्तियों को और तैराकों की व्यवस्था भी कर दी गई है। सिरसा के डीसी आरके सिंह खुद बाढ़ से बचाव के लिए सिरसा जिला के सभी अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं और सभी अधिकारियों को बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध करने के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। उपायुक्त आरके सिंह ने बरसाती पानी निकासी व बाढ़ प्रबंधों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। डीसी आरके सिंह ने कहा कि घग्गर नदी के दोनों ओर तटबंधों को मजबूत किया गया है। बाढ़ की संभावनाओं वाले रास्तों पर मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था भी की गई है। घग्गर रंगोई नाला ओटू वियर की साफ सफाई करवाई गई है। बाढ़ को देखते हुए सिरसा जिला प्रशासन ने बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित किया है। सिरसा के डीसी आरके सिंह ने बाढ़ से बचाव के लिए कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है। मॉनसून अब की बार बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली है। इसके लिए हमारे जो 82 गांव ऐसे हैं जो फ्लड प्रोन हैं, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने 8 गांव में आज के दिन हमारी ऐसे है जहां पे हम कट्टे भर रहे हैं, यानी कि मिट्टी के भर के, ताकि पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे टोटल 25 स्टेशन ऐसे हैं जहां पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जहां पे पानी उठा के हम आगे डालते हैं। 82 सरपंचों की और उनके ग्राम सचिव होंगे और पटवारीज होंगे, उनको एक बार दोबारा से सेंसिटाइज कराया जाएगा कि हमने किस प्रकार की परिस्थितियों में क्या क्या काम करना है। उपायुक्त ने गत दिनों बारिश से हुए जल भराव के कारणों व पानी निकासी कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए सभी संभावित जल भराव वाले स्थानों पर पानी निकासी प्रबंधों को पुख्ता किया जाए। इसके साथ ही बिजली विभाग पंप सेट संचालन के लिए बिजली की व्यवस्था रखे। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 29 कनेक्शन विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों पर दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि बारिश से कहीं पर भी जल भराव की स्थिति पैदा ना हो और बरसाती पानी की निकासी तेज गति के साथ करवाई जाए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उन्होंने नालों की सफाई को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इवन हरियाणा के लिए सिरसा से निशा खन्ना की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।